नमस्कार बच्चों, मैं आज सिद्धि हिंदी विद्यालय से आप और अभिभावक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अपना जो अभ्यास है आगे रूटीन के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वाध्याय दो है, इसमें इस सेक्शन में नवा जो एग्जाम्पल है, ये नवा एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। नवा एग्जाम्पल में सबसे पहले किसी एक बैंक कर्मचारी है, सर्विस करने में विज्ञापन के उत्तर में विज्ञापन दिया, उसमें 2000 आवेदन पत्र आए थे, कुल उम्मीदवार की संख्या 2000, इनमें 50% स्नातक पढ़े लिखे, स्नातक, अनुस्नातक और व्यवसायिक, ऐसे तीन पहले कोष्ठक में बनाना, स्नातक, अनुस्नातक और व्यवसायिक तीन। इसमें पुरुष और स्त्री लिंग, पुरुष में विवाहित अविवाहित कुल, स्त्री में विवाहित अविवाहित कुल, और पुरुष और स्त्री दोनों टोटल विवाहित अविवाहित कुल, ऐसे 9 खाना आपको कोष्ठक बनाना पड़ेगा और उसमें पूर्ति करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्नातक, स्नातक उम्मीदवार है कुल 2000, पहले कोष्ठक में दिया है। 50% उम्मीदवार जो है विवाहित, इसमें से निकालना पड़ेगा 50% स्नातक, 40 अनुस्नातक, तो 50/100, तो 1000 उम्मीदवार है ये स्नातक है, ये टोटल कुल में आएगा। कुल में 40/600 ये आपका आएगा पुरुष में, 600 कुल में, आपका दो कोष्ठक हो गया, 600 और 1000। इसके बाद विवाहित जो कुल पुरुष स्नातक उम्मीदवार की संख्या है, ये इसमें 25% है विवाहित, 25/100 तो 150, तो विवाहित में 150 लिखो, कुल में 600 आया, विवाहित में 150 आया, तो अविवाहित में 450 हो जाएगा, इसलिए पहला कोष्ठक पुरुष का हो गया। अब स्त्री में अनुस्नातक स्नातक उम्मीदवार की संख्या 400, इसमें 40% जो आपका उम्मीदवार है ये स्त्री उम्मीदवार विवाहित है, तो 40/100 इलेक्शन में 60 विवाहित है और 400 कुल है, 1000 में 600 निकालोगे 400 कुल है, 400 में 160 निकाल, 240, इसलिए पहले स्नातक का आपका कोष्ठक पूरा हो गया। अनुस्नातक में 2000×40% है उम्मीदवार की संख्या अनुस्नातक में, तो उसका 800 आएगा, 800 इसलिए कुल आएगा, इसे पुरुष अनुस्नातक उम्मीदवार की संख्या 60%, 480 आएगा, और पुरुष अनुस्नातक उम्मीदवार की संख्या 400/100 विवाहित, तो विवाहित में 192 लिखो, 480 टोटल लिखो, 480 में 192 निकालेंगे तो कितना आएगा, 288 बराबर है। पुरुष अनुस्नातक स्त्री पुरुष अनुस्नातक विवाहित जो है उसकी संख्या 192, अभी परिणित या विवाहित स्त्री अनुस्नातक उम्र संख्या आपका 160 आएगी, तो ये 160 लिखो अनुस्नातक में, 160 आएगी, 800 वो है, 800 में से 160 निकालेंगे नहीं, 480 तो 120 आएगी है, तो 120 कुल टोटल, 800 में से 160 निकालेंगे तो 480 तो 120 आएगी, ये पॉइंट क्या हो गया। अभी उसी तरह व्यवसायिक उम्मीदवार की संख्या जो है उसमें टोटल सभी में 2000 तो लेना ही लेना है उम्मीदवारी पत्र, व्यवसाय में 10% पुरुष उम्मीदवार टोटल 10% है तो 200 आएगा,
200 आपका व्यावसायिक में कुल में टोटल कुल में आएगा। उम्मीदवारी की संख्या 30% स्त्रियां हैं, स्त्री उम्मीदवार 60 आएगी तो आपको 60 कुल में लिखना पड़ेगा। विवाहित पणित स्त्री उम्मीदवार की संख्या 60% 36 आएगी, ये पणित में आएगी, विवाहित में स्त्री। और विवाहित अविवाहित पुरुष उम्मीदवार की संख्या जो है ये 70 आएगी, तो 70-70 पुरुष पणित अपणित दोनों समान आ जाएगा और इसका 140 आएगा। तो इस तरह से आप व्यावसायिक अव्यावसायिक स्नातक अनुस्नातक आपका होता है। थैंक यू।